से 17,250 और अब हम खुल रहे हैं करीब करीब 17,097 पर। तो देखिए एक अप्रोच ये है कि आप 17,080 के पास खरीदें, 17,250 पर बेचें, और 17,080 पर अगर आप खरीद रहे हैं तो 17,050 का स्टॉप लॉस रखें, और अगर 17,250 पर बेच रहे हैं तो 17,300 का स्टॉप लॉस रखें। ये एक अप्रोच है, और जो भी ट्रेड करें वो ऑप्शंस के थ्रू करें, फ्यूचर्स के थ्रू ना करें ऑब्वियसली। दूसरी अप्रोच ये है कि अगर ये जोन टूटता है और कंफर्टेबली टूटता है तो फिर उस डायरेक्शन की ट्रेड लें। अब वो ट्रेडर के सेंटिमेंट पर और उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से ये एक अप्रोच हो सकती है, और निफ्टी आईटी पर नजर रखें क्योंकि कल उसी ने मूड बिगाड़ा था, और वहां मुझे लग रहा है कि अब वापस एक सेलन रैली की अप्रोच काम करेगी ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स की अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए। अब आइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में कल हमने लगातार बात की थी कि 40,000 की कॉल और पुट दोनों लगातार जबरदस्त बिकी थी, और उसका मतलब क्या था कि 39,600 से 40,400 आपका बैंड था। अब इस बैंड में ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, तो स्टेबिलिटी का वेट करें। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी से थोड़ा फर्स्ट हाफ में भले ही दूर रहे, और सेकंड हाफ में फिर ट्रेड लें। 3 PM मूव आज पॉसिबल है बैंक निफ्टी में, लेकिन फलक्रम आपका 40,000 के करीब ही है बैंक निफ्टी पर, और नीचे के लेवल पर 39,600 अगर टूटे और अगर लगने लगे कि उसके नीचे आप सेटल हो रहे हैं तो वो मामला बिगाड़ेगा। लेकिन ओवरऑल एक देख लेते हैं कि पहला एक घंटा कैसे जाता है, ट्रेंडिंग है या फिर एक कंसोलिडेटिंग मार्केट है, वो इंडिकेशन मिल जाएगा आपको।